once again Charlie Verma and Dr. Anup Bakshi from Samaj Community with you. Continuing our series on Ask the Doctor, today we shall be asking Dr. Saab his views and advice on rampant use of painkillers and antipyretic drugs. डॉक्टर साहब, पेन किलर तो हम सब समझते हैं, पर ये एंटीपायरेटिक क्या होता है? एक्चुअली एंटीपायरेटिक्स माने पायरेक्सिया मीन्स फीवर, जो फीवर को कम करता है उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। तो इसमें हम लोग यूजुअली आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल यूजुअली दे आर यूज्ड। पर डॉक्टर साहब, जितने भी ओवर द काउंटर ड्रग्स मिलते हैं इस तरह के, ये दोनों काम नहीं करते क्या? पेन किलर एज वेल एज सारे दोनों काम नहीं करते हैं। पैरासीटामोल करता है, आइबुप्रोफेन करता है, बट पैरासीटामोल इज नॉट ए पेन किलर इन लो डोजेस। यू हैव टू यूज 650 और 1000 मिलीग्राम पैरासीटामोल फॉर किलिंग पेन। आई बिलीव पैरासीटामोल बहुत पॉपुलर तो है ही है, फीवर रिड्यूस करने के लिए ज्यादातर लोग पैरासिटामोल को यूज करते हैं। हाँ, वो 500 मिलीग्राम इज गुड एनफ। अच्छा, इस ड्रग से क्या स्वेलिंग भी कम होता है? ना ना, पैरासिटामोल में स्वेलिंग कम नहीं होती। अदर ड्रग्स जो है NSAIDs जिसको बोलते हैं, अदर पेन किलर, दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग कम करता है। अच्छा, एक और चीज, ओवर द काउंटर ड्रग्स में पेन रिलीव कराने के लिए सीनियर्स को जो कोई और हेल्थ इश्यू ना हो तो फिर उसको कौन सी ड्रग यूज करनी चाहिए? ऐसे जो क्विक एक्टिंग है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, वॉबेरन, दे आर क्विक एक्टिंग ड्रग्स, बट शॉर्ट एक्टिंग, दे हैव टू बी रिपीटेड वेरी ऑफन, से 5-6 आवर्स यू हैव टू रिपीट इट। एंड इफ यू बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, आपको अगर पेट खाली है, मतलब एम्प्टी स्टॉमक है, डोंट टेक एनी पेन किलर। अच्छा, कई पेशेंट ऐसे भी हैं हमारे सीनियर जिनके किडनी और हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, सेफेस्ट पेन किलर इज पैरासीटामोल। इफ यू हैव थिंग्स लाइक किडनी डिजीज, CKD जिसको बोलते हैं हम लोग, क्रॉनिक किडनी डिजीज, कुछ कुछ ड्रग आप मत लो। अगर कहीं चोट लगी कुछ है तो ट्राई फॉर ए लोकल एप्लीकेशन, नहीं तो पैरासीटामोल इज द बेस्ट ड्रग। वॉबेरन वगैरह मत लेना, CKD है तो आपको, माने किडनी डिजीज है तो। सेकेंडली, इफ यू हैव हार्ट प्रॉब्लम तो आप वॉबेरन भी नहीं लेना और एट्रोकॉक्सिन भी नहीं लेना, क्योंकि दे कैन कॉज ये क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। सो नेप्रोक्सिन ले सकते हो। नेप्रोक्सिन लेने से आपको दो काम हो जाएगा, एक तो दैट इज सेफ फॉर हार्ट डिजीज, एंड सेकेंडली इट हैज ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। डॉक्टर साहब, एक और बात होती है कि जिन जिन का हार्ट प्रॉब्लम होता है ना, वो सब ब्लड थिनर तो यूज करते ही हैं। हाँ, ब्लड ऐसा है, ब्लड थिनर तो यूज करते हैं, बट जब भी कोई ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर करना है, लाइक यू नो हम लोग डेंटल में जाते हैं या एंजियोग्राफी कराते हैं, तो उसमें क्या है, 5-6 दिन बंद कर दो दवाई, सो दैट ब्लड का ये जो थिनिंग प्रॉपर्टी है वो ठीक हो जाए, नॉर्मल ये हो जाए, क्लॉटिंग टाइम हो जाए, सब कुछ हो जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्चुअली क्या है, हम लोग इस पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिंदगी में बुढ़ापे में होता है पेन और फीवर। तो लोग दोनों के लिए ओवर द काउंटर ऐसे उठपटांग लेते रहते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द व्हाई ऑफ इट। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्वड। थैंक यू सर। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। हम बहुत रेगुलरली मनी मैटर्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर सीनियर सिटीजंस के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज करते हैं। यदि आप हमारे नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।